आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस आर गिवन एज SO2 630 केल्विन, CHO 190 केल्विन, H2 33 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं SO2 का, CH4 का और H2 का, और हमसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पूछा है। तो फिर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, सो व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, अबव विच लिक्विफिकेशन कैन नॉट अकर, या फिर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, लिक्विफाइड। सो ये होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से कैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमारा चेंज होता है, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। सो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस। जैसे ही हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मतलब जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तो लिक्विफिकेशन का जो ईज़ है वो भी ज़्यादा होता है। हायर इज़ द ईज़ ऑफ, इज़ द ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। और अगर ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन हमारी ज़्यादा है तो वैंडरवाल ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगे। वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। और अगर वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एड्सॉर्प्शन हमारा इंक्रीज़ करेगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। सो इस रिलेशन से हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं दीज आर, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है। तो सबसे ज़्यादा SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है, फिर CH4 का है, एंड देन H2 का है हमारा। सो अब हम देख लेते हैं कि जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा। सो यहाँ पे SO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन H2, दिस वुड बी आर ऑर्डर। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, इट सेज SO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन H2। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ क्रिटिकल टेम्परेचर अफेक्ट्स एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।